भारत ने वेलिंगटन टेस्ट की पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम को 348 रनों पर ऑल आउट कर दिया। कीवी टीम पहली पारी के बाद 183 रनों की लीड हासिल कर चुकी थी। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन ने शानदार पारी खेली, वहीं ईशांत शर्मा ने पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए। पंत ने पहली पारी में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने पहली पारी में टॉम लेथम, रॉस टेलर, बीजे वॉटले, कोलिन डिग्रैंडो और ट्रेंट बोल्ट का कैच लपका। इसके साथ ही उन्होंने विदेशों में 50 शिकार पूरे कर लिए हैं। पंत ऐसा करने वाले भारत के 5वें कीपर हैं। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, सैयद किरमानी, दिनेश मुंगिया और किरण मोरे ये कारनामा कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगभग 6 महीने के बाद पंत की टेस्ट टीम में वापसी हुई है और उन्होंने अपनी कीपिंग से प्रभावित भी किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पंत को रिद्धिमान साह की जगह टीम में जगह दी गई थी। टीम के इस फैसले पर काफी सवाल उठाए गए। ऐसा माना गया था कि पंत को उनकी बल्लेबाजी के कारण साह पर तरजीह दी गई। इस सीरीज से पहले भारत में खेली गई टेस्ट सीरीज में रिद्धिमान साह ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी उठाई थी और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। साह ने भारतीय जमीन पर शानदार विकेट कीपिंग की, जहां स्पिनर के खिलाफ कीपिंग करना बेहद मुश्किल माना जाता है। हालांकि बतौर बल्लेबाज साह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर एक बड़ा कारनामा किया। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।